चीज आपके बीच में रख रहा हूं और वो है ये ना अब आप सोच रहे होंगे कि पासे डेनियल ये क्या है हमें समझाइए इसलिए तो बैठा हूं आइए समझाता हूं ये है आपका अर्थ पृथ्वी ये चारों तरफ हैं स्वर्गदूत ये चारों तरफ हैं स्वर्गदूत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं क्या कभी सोचा था आपने कि पृथ्वी पे स्वर्गदूत हैं और पृथ्वी को चारों तरफ से स्वर्गदूतों ने घेर रखा हुआ है अब आप कहोगे पास ये कैसे जब आप निर्णय ले रहे होते हैं तो पृथ्वी पे या पृथ्वी पर स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं वापस पढ़ रहा हूं जब आप निर्णय ले रहे होते हैं पृथ्वी पर तो स्वर्गदूत

और ऐसे लाखों की तादाद में स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे देखते रहते कि ओ ये मुंबई का सेवक ये मुंबई का बेटा बेटी ये मुंबई का दास ये मुंबई का पूना का नागपुर का पंजाब का रांची का झारखंड का आपका नॉर्थ का साउथ का ईस्ट का वेस्ट का अमेरिका यूरोप जापानीज़ कंट्री अफ्रीकन कंट्री इन सभी को वो देखते रहते हैं जब आप टीवी देख रहे होते हो तो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं आप टीवी देख रहे थे मुझे किसी ने पूछा क्या पास डैनियल क्या हम टीवी नहीं रख सकते बिल्कुल रखिए क्या हम टीवी को जो प्रोग्राम आते नहीं देख सकते मेरा एक आपसे सीधा सवाल है या क्या कहना चाहता हूँ स्टेटमेंट है रखना चाहता हूं आपके बीच में आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक है जैसे कि चाकू किसी किसी के घर में तो बंदूक भी होती जो राजा महाराजा के टाइम के अभी भी हैं कई लोगों के घर में बंदूक है आपके घर में कैरेसिन होता है घासलेट कैरेसिन आपके गाड़ी गैरेज के गाड़ी में गाड़ी में या गैरेज में डीजल पेट्रोल होता है साथ ही साथ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं आप उसके साथ क्या करते हैं बैलेंस आप उसके साथ क्या करते हैं बुद्धि का इस्तेमाल बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन वही उसकी माँ हो तो वो चाकू के साथ में सब्जी काट रही होती है पुलिस के हाथ में बंदूक अच्छी लगती है लेकिन वही घर में पति के हाथ में बंदूक आई ना बात समझ में तो हर चीज का अपना एक जगह है हर चीज का वो चाहे टीवी हो हर चीज का अपना एक बैलेंस है वो कब सीखोगे मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है नब्बे एक रैंडम कॉल करके पूछिए, क्या कर रहे हो वह आपको शायद ही इसका कनेक्ट दे दो वाइफ अपना क्या नाम है चार्जर का एक सेकंड दीजिए दोस्तों उसको पहले लगा दो वहां पर या yeah. <laughs> ऐसी कॉल करिए और पूछिए सर क्या कर रहे हो सिस्टर क्या कर रहे हैं आंटी क्या कर रहे हैं बेटी बेटा क्या कर रहा है आपको यही जवाब मिलेगा पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल पे कुछ गेम खेल रहे हैं लूडो खेल रहे हैं आ, कोई प्रोग्राम चल रहा है वो देख रहे हैं ऐसे दस टक्का होंगे जो आपको कह जाएंगे कि बाइबल पढ़ रहे हैं या चर्च का कुछ काम कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं आप ही बता दीजिए मैं कहा गलत हूँ तो टीवी देखते वक्त स्वर्ग देखते हैं आपको ना ये रहा दूसरा जब तुम पौन वीडियोस देखते हो स्वर्ग देख रहे होते हैं मुझे दो दिन पहले नॉट दो दिन पहले तीन दिन पहले एक व्यक्ति का कॉल आया कहाँ से आया नहीं बताऊंगा नाम क्या नहीं बताऊंगा उसने कहा कि मैं आठ नौ साल का विश्वासी हूँ जवान लड़का हूँ लेकिन कुछ एक साल से मेरे साथ में ये वाली हरकत हो रही है जिसको कहते हैं पौन वीडियोज मैं बंध गया हूँ आप देख सकते चित्र मैं बंधन में हूँ एक स्टेटमेंट उसने लिखा था उसने कहा कि मुझे बचा लो नहीं तो यह शैतान मुझे खत्म कर देगा मुझे बचा लो नहीं तो ये शैतान मुझे खत्म कर देगा अब आप सोच के देखिए कितने भारत में अमेरिका में यूरोप में अफ्रीकन कंट्री चाइना कंट्री में हर जगह पे आप सोच के देखिए पॉन वीडियोस का क्या क्या कहते हैं ना तांडव या कितना खेल गंदी फिल्मों का या तस्वीरों का आप सोच नहीं सकते कितना तांडव चल रहा है और जिसमें प्रति दिन प्रति मिनट प्रति क्या कहते हैं रात दिन युवा अविश्वासी भी विश्वासी तो है अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है आपको इसमें मिल जाएंगे और यही थंबनेल मैंने जानबूझ के रखा है कि आपका एक निर्णय लेना सीखो पाप से दूर रहोगे यही है वो थंबनेल अब आप सोचिए मेरे दोस्तों अजीजो मसीलो जब ऐसी कोई वीडियो देख रहे होते हैं मसी लोगों की बात कर रहा हूं और, और तब परमेश्वर एक एक को पूछेगा मैं नाम किसी का नहीं ले सकता एक एक को पूछेगा क्या कर रहा था तब क्या कर रही थी तब वो दिन वो रात वो दोपहर जब घर पर कोई नहीं था माता पिता बाहर थे पति बाहर था पत्नी बाहर थी बच्चे बाहर थे माता पिता घर में आप सोच के देखिए क्या चल रहा है और जिसके चलते स्वर्गदूत आपको पूछेंगे बेटा तेरी तो रिकॉर्ड हो गई सारी बातें अगर इतना सब सुनने के बाद अगर आप अभी भी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं आप अभी भी अगर पॉन वीडियोस देखना बंद नहीं कर रहे आपको मसीहत में नहीं होना चाहिए आपको मसीहत छोड़ देनी चाहिए आप संसारिक हो जाओ क्या फायदा यहां गुट गुट के जी रहे हो तड़प तड़प के जीरो तो पूरी तरह से आविशवासियों के जियो ना आपको तो वैसे भी नरक जाना होगा क्योंकि ऐसी हरकत अगर आप करोगे तो आपको वैसे भी नरक ही जाना पड़ेगा तो बेटर है या तो उस तरफ या तो इस तरफ यही ये यीशु ने भी कहा कहास्या को या तो ठंडा या तो गर्म बीच वाले यीशु को भी पसंद नहीं है और जिसके चलते मैंने वीडियो बनाया था जिसको मैं समझता हूँ कि तीस हजार या पैंतीस हजार के आसपास लोग देख चुके हैं मात्र पाँच छः दिन में पॉन वीडियोज एंड मी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा ना दोस्तों ये रहा उसके बाद वाला ये भी खतरनाक जब तुम लव अफेयर्स में होते हो स्वर्ग देख रहे होते हैं। ऐसा नजारा रास्ते पे चलते सड़क पे पड़े आपको कितना दिख जाएगा आप ही जानते हैं आपके गांव में यह नजारा आपके शहर में यह नजारा देश विदेश में यह नजारा हमारा मुंबई तो मरीन ड्राइव बैंडर स्टैंड गजब का है यह नजारा अब आप सोचिए यही नजारा मसीहों में भी है मैं कनेक्ट करूंगा मसीहों में भी तो जब यह चल रहा होता है ना तो ऊपर से स्वरदूत देख रहे होते हैं परमेश्वर देख रहा होता है और परमेश्वर पूछ रहा होता है यह चल क्या रहा है जब तुम मसीह बने थे ना तब तुम इसमें नहीं थे मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं जब तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया था ना तो तब उसमें नहीं थे तब तुमको ऐसा लगता था यार ये क्या हो रहा है यह गलत है यह कैसे कर सकते हैं लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि तुम खुद इसमें हो तुम खुद इसमें हो ना मैं वापस कहना चाहता हूं कि लव अफेयर्स का मतलब है लड़का लड़की का प्रेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पति का पत्नी का किसी और के साथ में अब आप सोच के देखिए अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है ऊपर से स्वर्ग देख रहे हैं आपको ये डर आपके अंदर आए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आप इनसे दूर रहें इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ऐसे किसी प्रकार की हरकत ना करें इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं और मैं समझता हूं कि हम सभी को ये समझना बहुत जरूरी है सभी को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करता ना दोस्तों इसको देखिए जब तुम ब्याज पर पैसा दे रहे होते हो ये एक और गलत काम है मुझे कॉल्स आए हैं मुझे फोन आए मुझसे कहा गया है कि पास्टर डैनियल ये विश्वासी लोग हैं ये पास्टर हैं ये सेवक हैं ये गॉस्पल सिंगर हैं ये हैं ये ब्याज पे पैसा देते हैं या लेते हैं अब आप सोचिए ब्याज पे पैसा लेना देना बाइबल में इसकी सख्त मनाई है सख्त मनाई सख्त मनाई नहीं ले सकते ब्याज पे पैसा नहीं दे सकते ब्याज पे पैसा मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है अब लोग पूछते हैं कि हम जो लेते चेक हम जो लोन लेते हैं बैंक से उसका क्या वो अलग है उसका इंटेंशन अलग है आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं आपका इंटेंशन किसी को लूटना नहीं है मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं लेकिन सरासर तीन टक्के पे ब्याज पांच टक्के पे ब्याज दस टक्के पे ब्याज शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को मसी होकर अगर तुम ब्याज पे पैसा दे रहे हो मैं तो तुमको अभी कहता हूं कि तुम तो पक्का नरक जाओगे पक्का नरक जाओगे मैं जब वहां रहूंगा जब तुम्हारे न्याय हो रही होगी ना ब्याज वालों की और ऐसे वालों की 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 तो मैं वहां रहूंगा ना तो मैं देखूंगा मैं बोलूंगा प्रभु ये यहाँ क्या कर रहा है मैं तो पक्का पूछूंगा प्रभु ये आदमी जो ब्याज पर पैसा ले रहा था दे रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है आप इसको कैसे स्वर्ग मिले और मैं जानता हूं ये नहीं होगा परमेश्वर पवित्र हैं और ऐसे किसी चीज को परमेश्वर स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं करेगा तो अभी जो मुझे देख रहा है या ये वीडियो उन तक पहुंच गई और आपका जमीर आपको इस वक्त में कोस रहा है और आपको एहसास दिला रहा है कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा गुस्सा उनको आता है जो शैतान के बच्चे हैं गुस्सा उनको आता है जिनको परमेश्वर से डर नहीं है गुस्सा उनको आता है जिनको परमेश्वर के वचन का कदर नहीं है और ऐसे लोगों की मैं किसी प्रकार की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता रखो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे पास जिस दिन जब न्याय होगा ना तब देख लेंगे बेटा तब देख लेंगे मेरी वीडियो को आप देखना बंद करोगे और क्या कर सकते हो अपने चर्च में अनाउंसमेंट कर सकते हो कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना और क्या कर सकते हो परमेश्वर की ताकत को परमेश्वर के प्रचार को ना तब रोक सके ना अब रोक सकते हो ना ही आगे रोक सकते हैं कितने माई लाल आए और कितने गए खत्म परमेश्वर का काम अभी भी चल रहा है क्या बात कर रहे हो एक डैनियल चुप हो जाएगा ना तो परमेश्वर पचास को खड़ा कर देगा क्या बात कर रहे हो <laughs> फर्क इतना है कि आज मैं यहां पर हूं तुम तुम वहां पर तुम पर हो परमेश्वर ने अगर अपना हाथ चला दिया ना तो तुम शुरू हो जाओगे बात यह है <laughs> वापस कहता हूं कभी कभी ब्याज पे पैसा ना लेना ना देना ना दोस्तों इसको देखिए जब कोई सेवक सेवा छोड़कर सुस्त पड़ जाता है या पड़ा रहता है तो स्वर्गदूत देख रहा होता है स्वर्गदूत देख रहा होता है मैं आ, क्या कैसे कै, कैसे कहूं ओके आता हूं अता आपको पता है मसी का काम कब का खत्म हो गया होता कब का और जिसका जिक्र यीशु ने भी किया है यौना चार का पैंतीस में उसने कहा कि आंखें उठाकर देखो फसल कब से तैयार है लेकिन वो मजदूर कहाँ है और पौलूस कहता है गले तो किताब उसका छे का नौ में कहता है वक्त रहते अगर हम ढीले ना पड़े होते ना तो कब का कटनी काट लिए होते ये सुस्तपना जिसको यर्म फोर्टी एट का दस कहता है श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है श्रापित है वो ऐसा क्यों अब आप देखिए सुस्त पड़ा है भारत की कलिसिया सुस्त पड़ी है सब नहीं नब्बे टक्का तो पक्का सुस्त पड़ी है भारत के सेवक नब्बे टक्का सुस्त पड़े हैं अब सुस्त पड़े हैं कोई चिंता नहीं सब ठीक है एक वक्त था साइकिल में घूमते थे मोटरसाइकिल में घूमते थे अभी तो गाड़ी है ऑडी है बी है मर्चडीज है अरे ना जाने क्या क्या पहला झोपड़ा था आज टू टू बी एच टू बी एच के थ्री बी एच के बंगला विला है तो तो फिर मस्ती तो चढ़ेगी ना साहब सुस्ती तो आएगी ना साहब अरे मैं भला मेरा फैमिली भला मैं जा रहा हूँ अमेरिका मैं जा रहा हूँ अफ्रीका मैं जा रहा हूँ अरे बाप रे मेरे मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ मेरे तो बॉडी गार्ड घूमते मेरे साथ में एक आदमी बैग पकड़ता है एक आदमी मेरा क्या कहते हैं ना पानी का बॉटल पकड़ता है बाइबल पकड़ता है मेरी ये है और ऐसे टाइम पे तुम बनते हो सुस्त आगे आप समझदार हैं ना इसको